गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिलेटेड। ठीक है, हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 3.17। क्या कह रहा है? यूजिंग स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन इन द टेबल, टेबल के अंदर जो भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है, डिडक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फिजिबल और नॉट। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो हमारे पास पहला जो केस है वो है फेरिक का और आयोडाइड का। तुम्हें पता है फेरिक का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है 0.77 वोल्ट, आयरन आयोडीन का जो होता है कितना, -0.54। ठीक है, और ये इक्वेशन होती है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन 1 है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों को क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे। तो हमारी जो ओवरऑल रिएक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, और ई एम एफ द सेल हम निकाल देंगे। हमें पता है ई एम एफ द सेल हम कैसे निकालते हैं, जो फाइनल रिएक्शन होती है उसी के बेसिस पे निकालते हैं। तो ये इन दोनों के डिफरेंस से आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टैंडर्ड जो आ रहा है हमारे पास ई एम एफ द सेल, वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है हमारी, फिजिकल है। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी यहाँ पर, फिजिकल होगी। सेकेंड है हमारे पास सिल्वर और कॉपर के बीच में। तो सिल्वर का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है हमारे पास, 0.8, और कॉपर का कितना है, -0.34 वोल्ट। तो सिमिलरली इनके इलेक्ट्रॉन बैलेंस के लिए इन्हें ऐड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको ये जो है हमारा ये कैथोड में से एनोड वाले को माइनस कर देंगे हम यहाँ पर। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.46 आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये भी हमारा पॉजिटिव है, इसमें रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। सेम आयरन और ब्रोमाइड के बीच में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आयरन और ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएंगे हम, फिर यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर इन्हें ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास ई एम एफ दो सेल आ रहा है वो कितना आ रहा है, -0.32 वोल्ट माइनस आ रहा है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 बाय 1 सबका कैलकुलेट कर देंगे जितने भी हमारे पास गिवन है। लास्ट है प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे फॉलोविंग के अंदर, तो क्या दे रखा है हमें, एक्वा सॉल्यूशन AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और सिल्वर नाइट्रेट इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो हमें पता है कि कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन होती है वो ये होगी, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी हमने ऊपर देखा था 0.8 है सिल्वर का, और ये हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 0 है। ठीक है, रिडक्शन विद हायर ई टेक प्लेस एट कैथोड, जो जिसकी रिडक्शन की वैल्यू हाई होती है वो किसकी तरह काम करता है, कैथोड की तरह काम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब कैथोड जो सिल्वर है, ये जो सिल्वर यहाँ पे बन रही है, कहाँ पे डिपॉजिट होगी, कैथोड के ऊपर, और एनोड के ऊपर क्या होगा, NO3 जो है, ठीक है, जो रिमेन रह जाएगा वो एनोड के ऊपर जो सिल्वर है उसके साथ, जो एनोड का इलेक्ट्रोड है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सिल्वर है हमें कहाँ, सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड पे डिसॉल्व होगा और क्या बनाएगा, ठीक है, सिल्वर आयन बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रोडक्ट होंगे इलेक्ट्रोलिसिस के। सिमिलरली अगर हम सेकंड का देखें, सेकंड में क्या दे रखा है हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट है और प्लैटिनियम का इलेक्ट्रोड है, तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो हमें सिंपल सा पता है कि कैथोड इसकी वैल्यू ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कैथोड की तरह का ही काम करेगा सिल्वर, तो हम क्या कहेंगे कि जो सिल्वर है वो कहाँ डिपॉजिट होगी, कैथोड के ऊपर। एनोड पे क्या है, प्लैटिनियम का जो इलेक्ट्रोड है वो इनर्ट होता है, तो इसका मतलब जो ये जो है हमारा, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो OH है हमारे पास और NO3 आयंस है, कैन बी ऑक्सीडाइज एज एनोड, उन्हें ऑक्सीडाइज होना था एनोड के ऊपर। ठीक है, लेकिन OH जो आयन है इसका पोटेंशियल लोअर है, सो यहाँ पे क्या होगा, प्रेफरेंस क्या होगी हमारे पास, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था इनर्ट होते हैं,
तो ऑक्सीजन गैस एलिबरेट होती है अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड को हम यूज़ करते हैं, और अगर हमारे रिएक्टिव हैं इलेक्ट्रोड तो हमारे वहीं उसका ही सॉल्यूशन फॉर्म आता है जो भी हमारे पास रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास सिल्वर सॉरी कंसनट्रेटेड H2SO4 है और प्लैटिनियम का इलेक्ट्रोड है, तो प्रोडक्ट क्या होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और रिएक्शन है दो तरह से प्रोसीड हो सकती है, या तो वाटर से ऑक्सीजन गैस बन जाए और हाइड्रोनियम आयन बन जाए, या फिर हमारा जो सल्फेट आयन है वो अपनी डबलिंग करते। ठीक है, तो इसकी डबलिंग के जो पोटेंशियल है वो 1.6 है, इसका 1.23 है। सो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन हो रही है वो प्रेफर करती है डिस्चार्ज ऑफ ऑक्सीजन लोअर देन, यानी कि यहाँ पे हमें पता है एनोड के ऊपर पोटेंशियल जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। ठीक है, सो देयरफॉर हमारी जो रिएक्शन होंगी यहाँ पे कैथोड के ऊपर एनोड के ऊपर, तो वो होगी हमारी ये वाली रिएक्शंस। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है फॉर्मेशन, ये हमें कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेशन इज प्रेफर्ड बिकॉज डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन लोअर देन द, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है लोअर है, तो ऑक्सीडेशन जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो प्रेफर्ड होगी यहाँ पे। ठीक है, फोर्थ में है हमारे पास ये है, और आपको पता ही है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, तो एनोड के ऊपर क्या होगी कॉपर डिपॉजिट होगी। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, एक बार देख लेते हैं, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है तो वहीं आपकी ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे ऊपर हुआ था सेम सिल्वर वाले केस के अंदर सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, तो इसने हमें क्या कह रखा है, द थ्री इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए बी सी, तीन सेल्स हैं कंटेनिंग जिंक सल्फेट सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यानी ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है और ये तीसरा सेल है। ठीक है, इस तरह से कनेक्ट कर रखा है। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर वाज पास थ्रू देम, उनमें से जो करंट पास हो रही है वो कितनी है 1.5 है। ठीक है, पास थ्रू देम अंटिल 1.4 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिट एट द कैथोड ऑफ द सेल बी, सेल बी में के कैथोड के ऊपर कितना हो 1.45 ग्राम हमारा सिल्वर डिपॉजिट हो। ठीक है, हाउ लॉन्ग बी द करंट फ्लो, कितने समय तक करंट फ्लो होगी, एंड व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिट, कॉपर और जिंक जो डिपॉजिट होंगे उनका मास क्या होगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। सो सब फर्स्ट इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट इलेक्ट्रोड में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो वहाँ पे क्या होगा जिंक की रिएक्शन होगी। जिंक का वेट कितना होता है 65.4 ग्राम होता है। ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ठीक है, एक एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1F के इक्वल, 1F की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, ये 1F की वैल्यू है। तो 2 मोल ऑफ, यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 2 के ऊपर कितना होगा 2F, तो 2F कितना डिपॉजिट कर रहा है मास 65.4 ग्राम। ठीक है, तो हमें ठीक है, तो कितना कर रहा है 65.10, तो 1 कितना करेगा। ठीक है, 1 मोल कितना करेगा, तो हम क्या करेंगे 65.4 को किससे डिवाइड कर देंगे, इस फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कितना चार्ज है हमारा, चार्ज है 1295.43 कूलम विल डिपॉजिट, तो इतना चार्ज कितना डिपॉजिट करेगा, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास जिंक का मास कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये चार्ज हमें गिवन है
तो हम यहाँ से कहेंगे 12.95.43 कूलम चार्ज कितना मास डिपॉजिट करेगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह से हमारे पास जिंक का मास आ जाएगा। सिमिलरली हम सिल्वर इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड में यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन यूज़ है, 1 इलेक्ट्रॉन यूज़ है, तो 1 मोल को 1 फराड चाहिए, यानी कि 108 ग्राम को इतना कूलम ऑफ चार्ज चाहिए, इतना कूलम चार्ज चाहिए। तो हमारे पास 1.4 जो है 1.45 kg वो कितने चार्ज को करेगा, इतने चार्ज को डिपॉजिट करेगा। ठीक है, अब हमें पता है जब सेल सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनका जो चार्ज होता है वो सेम होता है, तो इसीलिए हमने जो ऊपर चार्ज यूज़ किया है वो सेम है। ठीक है, अब हमें पता है करंट है हमारे पास कितने, 1.5 है, तो चार्ज को पहुँचने में कितना टाइम लगेगा वो हम निकाल देंगे। हमें पता है टाइम क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई करंट, और ये हमारे पास टाइम आ जाएगा सेकेंड में, हम इसको मिनट में निकाल देंगे। ठीक है, सिमिलरली फोर्थ इलेक्ट्रोड की अगर हम बात करें कॉपर की, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, उसको रिक्वायर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 फेराड चार्ज वो डिपॉजिट कर रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे इतना कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट करेगा कितना मास, 63.5 ग्राम, इतने ग्राम मास। तो हमारे पास इतना कूलम ऑफ चार्ज, ये जो गुलाम दे रखा है आपके पास 12.95.43 कूलम ऑफ चार्ज कितना मास डिपॉजिट करेगा, हम क्या कहेंगे कि 2F तो डिपॉजिट कर रहा है हमारे पास कितना, 63.5। ठीक है, क्या कहेंगे, 2F डिपॉजिट कर रहा है कितना, 63.5, तो 1 कितना करेगा, इसको डिवाइड कर देंगे 1 कूलम, और हम कह देंगे कि यहाँ पे कितना कूलम हमारे पास चार्ज आया था, 12.90.5 वो कर कितना कर रहा, तो फिर हम इसे मल्टीप्लाई करें, तो हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी और यहाँ से हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम सबका मास निकाल देंगे कि किसने कितना कूलम ऑफ चार्ज ने कितना मास डिपॉजिट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मास डिपोजिशन पूछी थी और टाइम पूछा था, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास 15th क्वेश्चन। 15 में हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है निकल नाइट्राइड का इलेक्ट्रोलाइज बिटवीन प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड यूजिंग द करंट ऑफ 5 एम्पीयर फॉर द 20 मिनट्स, व्हाट इज द निकल मास डिपॉजिट एट द कैथोड, निकल का कितना मास डिपॉजिट हुआ है। तो आपको गिवन क्या है, आपको करंट गिवन है, टाइम गिवन है, चार्ज क्या होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम को सेकंड में लेना है, मिनट में दे रखा है जो, और यहाँ से आपके पास चार्ज आ जाएगा। अब निकल कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो यानी करंट कितनी रिक्वायर्ड है, 2F, तो यानी 2F जो है वो कितना है, निकल का मास कितना होता है, निकल का मास होता है 58.51 ग्राम, तो 2F इतना मास डिपॉजिट कर रहा है। 1 कूलम कितना करेगा, 58.7 डिवाइडेड बाई 2 × 2 में 96,500, और 600 कूलम कितना करेगा, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इस तरह से आपके पास मास आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में दे रखा है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O2। अगर हमें 1 मोल H2 को O2 में कन्वर्ट करना है तो ये रिएक्शन होगी, और ऑक्सीजन की अगर हमेशा हम देखें तो ऑक्सीडेशन की स्टेट क्या होती है, -2O2, -2O2 को O2 में, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2 होता है, तो -2 को अगर हमें चेंज करना है O2 के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, तो कितने रिक्वायर्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स के, 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है। तो 1 मोल अगर H2 कन्वर्ट होता है तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, 2F, और F की वैल्यू कूलाम में चेंज करोगे इतनी आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास इतने नंबर ऑफ कूलाम में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड टू फेरिक ऑक्साइड, फेरस से फेरिक ऑक्साइड बनाना है। तो पता है फेरस के ऊपर जो चार्ज होता है 2 पॉजिटिव है, फेरिक के ऊपर 3 पॉजिटिव, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 1 इलेक्ट्रॉन की। अगर एक फेरस ऑक्साइड को फेरिक में कन्वर्ट होना है तो 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, तो 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्साइड कितने की, 1F, और F की वैल्यू कूलाम में यूज़ करोगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी और आप चार्ज बता दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13th क्वेश्चन में क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फेराड रिक्वायर टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें पता है कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल यूज़ करें
तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को यूज़ करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो और यहाँ पे जो कैल्शियम का जो वेट होगा, डिपॉजिट होगा, वो 40 ग्राम होगा। तो इसका मतलब 40 ग्राम दो 2F कूलाम के चार्ज को डिपॉजिट कर रहा है, 2F इलेक्ट्रॉन्स को डिपॉजिट कर रहा है। तो 1 kg कितना करेगा, 2F/40, और 20 ग्राम कितना करेगा, 2×20/40F। F की वैल्यू हमें पता है, 1F की वैल्यू इतनी होती है, और हमारे पास चार्ज आ जाएगा कूलाम के अंदर। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 के अंदर। तो हमें पता है अगर हम एक Al2O3 का मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन करेगा, क्योंकि चार्ज जो एल्यूमिनियम के ऊपर था 3 पॉजिटिव होता है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और एल्यूमिनियम का मास कितना होता है, 27 ग्राम। तो यानी कि 27 ग्राम को 3F की रिक्वायरमेंट है। F को कूलाम में चेंज कर सकते हो आप लोग, या फिर सीधा चल सकते हो। तो 1 ग्राम कितना करेगा, 3F/27 यानी 1/9, और 40 ग्राम कितना करेगा, 40 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास 4.44F आ जाएगा। F की वैल्यू पुट करोगे और इस तरह से आपके पास चार्ज कूलाम में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिडक्शन। कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम, सेम अभी हमने जो किया था सेम। हमें पता है एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 3 इलेक्ट्रॉन का अंदर 3F, F की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास चार्ज आ जाएगा कूलाम में। फिर हमारे पास 1 मोल ऑफ कॉपर, कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, 2। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है कॉपर को, 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी 2F चार्ज होगा। F की वैल्यू रखोगे, यहाँ से कूलाम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड को कितने की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैग्नीशियम के ऊपर यहाँ पे जो चार्ज है वो है 7, और यहाँ पे 2 है। तो 7 से 2 में कन्वर्ट होने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 5 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी 5F चार्ज होगा, तो F की वैल्यू कूलाम में पुट करोगे, इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन के सभी पार्ट्स को इस हिसाब से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंडक्टिविटी दे रखी है हमें इतने एसिडिक सॉल्यूशन की, यानी हमें ये कंसंट्रेशन गिवन है और ये कंडक्टिविटी है, ऐसा यूनिट से हमें पता चलेगा। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी, और आपके पास इनफाइनाइट मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कंडक्टिविटी दे रखी है हमें, कंसंट्रेशन दे रखी है, और हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, ये जो भी है आपकी कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो के की वैल्यू ये है 1000 ही हो गया, और जो सी है हमारा वो थोड़ा नीचे चला गया है, सी ये है हमारे पास, कंसंट्रेशन ये है। तो इनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का। अब हमें पता है डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है हमारे पास, मोलार कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट मोलार कंडक्टिविटी। तो ये जो भी हमने मोलार कंडक्टिविटी निकाली है, इसको जो भी हमारे पास यहाँ पर इनफाइनाइट कंडक्टिविटी गिवन है ये वाली, इससे डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम ये वाली टेबल बनाएंगे, हमें पता है डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो सी की वैल्यू हम यहाँ पे, कंसंट्रेशन हमें पता है, अल्फा हमने निकाल चुके हैं, और इससे हम क्या निकाल देंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट को फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने सेकेंड चैप्टर में भी किया था। नेक्स्ट है हमारे पास, कंडक्टिविटी अलग अलग दे रखी है कंसंट्रेशन के ऊपर, अलग अलग कंडक्टिविटी, इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये है, इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये है, इस कंसंट्रेशन के ऊपर ये है, ठीक है। तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है और आपको इनफाइनाइट की वैल्यू निकालनी है। टेस्ट इन बुक का जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम ऐसा ही है, तो ये क्वेश्चन आप खुद कर लेना, आसान है, ठीक है। प्लॉट करना है ग्राफ का आपको खुद ही। नेक्स्ट है रजिस्टिविटी, कंसंट्रेशन दे रखी है और रजिस्टिविटी दे रखी है KCl की, और सेल कांस्टेंट आपको निकालना है जब हमारे पास ये क्या गिवन है, हमारे पास कंडक्टिविटी गिवन है। तो हमें पता है ये फॉर्मूला, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमें याद रखना है,
कि जो कंडक्टिविटी होती है वो सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस होता है। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा हमारा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी के इन टू में आर। के की वैल्यू भी आपको गिवन है, आर की वैल्यू भी आपको गिवन है, तो वहाँ से आप क्या निकाल दोगे, सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोल सॉल्यूशन ऑफ KCl इज दिस, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें पता है मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, के मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास के की वैल्यू भी है, सी की वैल्यू भी है, इन दोनों को इसको तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 0.2 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास आ जाएगी। ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये तो बुक के अंदर आप कर चुके हो, इसे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हमें डिटरमाइन करना है गिब्स फ्री एनर्जी और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, और ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। तो अगर आप देखें एनोड में क्या है हमारे पास, एनोड में 0.76 है, कैथोड के ऊपर कितना है, ये है सिल्वर है हमारे पास, और कितनी है ये 0.344 वोल्ट। ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे, हमें पता है ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है हमारी, कैथोड माइनस एनोड, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाए। स्टैंडर्ड ई एम ऑफ द सेल क्या होगा हमारा, कैथोड माइनस ऑफ एनोड आ जाएगा। ठीक है, और हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी होती है माइनस एन एफ ई नॉट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने इन्वॉल्व है, अगर हम देखें तो दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो एन की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू आपको पता है यहाँ पे, और स्टैंडर्ड वैल्यू हमने जो ये यूज़ किया इसको यहाँ पे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। फिर इसको किलो जूल के अंदर चेंज कर देंगे 1000 से डिवाइड करके। नेक्स्ट है, इसका एक ही पार्ट मैं करवाऊंगी, बाकी सारे पार्ट्स आपको करने हैं, इजी है ये। इसमें है हमारे पास मैग्नीशियम है, देखो यहाँ पे Mg2 पॉजिटिव ये कंसंट्रेशन दे रखे है, कॉपर 2 पॉजिटिव ये कंसंट्रेशन हमें गिवन है। ठीक है, और हमें क्या करना है, नर्नस्ट इक्वेशन लिखनी है, और नर्नस्ट इक्वेशन लिख के हमें EMF को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है नर्नस्ट इक्वेशन ये होती है हमारी। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा नोट की वैल्यू ये है, और डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी की, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ये है, और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ से एन एफ कैंसिल हो जाएगा, एन एफ से मतलब डिवाइड कर दो, इसको भी एन एफ से, इसके एन एफ के इस एन एफ से डिवाइड करोगे और इसका नीचे एन एफ आ जाएगा। तो हमें पता है ये हमारी नर्नस्ट इक्वेशन हो जाएगी। और यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो स्टैंडर्ड है हमारे पास, जैसे कि कॉपर सॉलिड और मैग्नीशियम सॉलिड, इनकी कंसंट्रेशन हम 1 लेके चलेंगे, तो हमारे पास ओनली मैग्नीशियम डिवाइडेड बाय कॉपर आएगी, और मैग्नीशियम और कॉपर की कंसंट्रेशन ऊपर आपको गिवन है। ठीक है, स्टैंडर्ड जो वैल्यू है सेल की अगर हम देखें तो कितनी थी हमारी, इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगी। ठीक है, तो 2.7 आएगी, ये हमारे पास RT/NF की वैल्यू आ जाएगी, और दोनों कंसंट्रेशन डिवाइड करेंगे, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से हमारे पास डेल्टा सॉरी EMF द सेल आ जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। सेम इसका भी मैं एक ही पार्ट करवाऊंगी, बाकी सारे आप खुद ट्राई करना। क्वेश्चन में है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड EMF द गैल्वेनिक सेल्स, गैल्वेनिक सेल की स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। क्रोमियम और कैडमियम के बीच में है, तो अगर आप देखें यहाँ पे तो एनोड के ऊपर तो 2 इलेक्ट्रॉन के रिक्वायरमेंट, कैथोड के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन की, एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो ओवरऑल रिएक्शन ये होगी हमारे पास, और हमें पता है कि EMF का सेल्स क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड। तो अगर आप यहाँ पे देखें कैथोड कौन सा है हमारा, कैडमियम वाला, और एनोड ये है, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू आ जाएगी EMF की। फिर हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, माइनस NF इंटू स्टैंडर्ड वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, अभी हमने बैलेंस किए थे, F हमें पता है, ये वैल्यू हमने निकाल दी है। यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, फिर हमें पता है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी निकालना है, तो हमें पता है कि डेल्टा जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम के अंदर, क्याओ की वैल्यू के बराबर होती है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.3 RT
तो जी नॉट की वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाली हुई है, इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे। 2.3 आर की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर हमें गिवन है, यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग लेने के बाद हमारे पास जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, वो आ जाएगी। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो इतने ही क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के, ये आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने शायद आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ एनसीईआरटी के अंदर, कि आयरन है वो किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर, ये हम थ्योरी के अंदर कर चुके हैं। हाइड्रोजन के सिवा और किन्हें यूज़ कर सकते हैं, हमें पता है मीथेन के, मैथेनॉल को हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सेम है, हमने एक्सरसाइज के अंदर किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16-17 जो है कुछ ऐसे ही हैं, तो इन्हें देख के आप कर लेना, ठीक है। तो बाकी ऑलमोस्ट हम क्वेश्चंस कर चुके हैं, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है विद न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।